मंगलवार दोपहर हुई तेज हवा के साथ हुई वर्षा ने शहर की बिजली वितरण प्रणाली को एक बार पुनः फेल कर दिया। करीब 8,500 ग्राहकों की बिजली घंटों में गुल हो गई। खबर लिखे जाने तक कई इलाकों में बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं हो सकी थी। महावितरण हर बुधवार को रखरखाव एवं मरम्मत का हवाला देकर घंटों के लिए बिजली गुल करता है। कंपनी का दावा है कि इस दौरान बिजली लाइन के इर्द गिर्द आई पेड़ों की टहनियों की छटाई भी की जाती है, लेकिन हल्की वर्षा भी इन दावों की पोल खोल देती है। बिजली लाइन पर पेड़ अथवा उसकी टहनियां गिरने से त्रिमूर्ति नगर, टेलीकॉम नगर, गोपाल नगर आदि इलाकों की बिजली आपूर्ति बाधित हुई। इस परिसर के करीब 4,500 ग्राहक प्रभावित हुए। इसी प्रकार जयप्रकाश नगर एवं गायत्री नगर में भी लाइन पर पेड़ गिर गया। कंपनी का दावा है कि शाम 6 बजे आपूर्ति बहाल हुई। बहरहाल नागरिकों की माने तो आधे ही इलाके में इस समय तक आपूर्ति बहाल हो सकी थी। नवनिर्माण सोसाइटी एवं एकात्मता नगर में बिजली लाइन पर टहनियां गिरने से आपूर्ति प्रभावित हुई। रवि नगर में 350 घरों की बिजली गुल हुई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।